बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास मोहम्मदी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मुतालिक दो खबरें हैं, दोनों में तजाद पाया जाता है। तालिबान की पेशकदमी से ताजिकिस्तान को तशवीश, सरहदी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अफगानिस्तान में मजीद 260 से ज्यादा तालिबान अनासिर के जाँ बहक होने की इत्तला है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान फौज की कार्रवाइयों में 260 से ज्यादा तालिबान अनासिर जाँ बहक हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल पेशकदमी और सरहदों पर तानियाती अफगान फौजियों की पसपाई के बाद पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान ने अपनी सरहद की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का फैसला किया है। रूस की स्पोर्टिंग न्यूज के मुताबिक ताजिकिस्तान के ऐवान सदर के मीडिया सेल ने ऐलान किया है कि सदर इमाम अली रहमानोव ने मुल्क की कौमी सलामती कौंसिल में मजीद 20,000 फौजियों को अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर तानियात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल में सरहदों की सिक्योरिटी का मसला जेर बहस आया है, जिसमें सदर रहमान औफ ने मजीद 20,000 फौजी तानियात करने का फैसला किया है। ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के एक बाखबर जरिए ने रूसी खबर रसा एजेंसी रियानो वेस्टी को बताया है कि इस वक्त ताजिकिस्तान से मिलने वाली अफगान सरहद के 70% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इससे कबल अफगानिस्तान से ये खबर मौसूल हुई थी कि 300 अफगान फौजियों ने अपनी जान के खौफ से तालिबान के सामने पसपाई इख्तियार करते हुए ताजिकिस्तान के सरहदों में दाखिल होकर पनाह हासिल की थी। मगरबी ज़राए का कहना है कि तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला और इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं, जबकि खुद तालिबान का दावा है कि वो अब तक मुल्क के 34 सूबों के 200 इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं, जो अफगानिस्तान के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर है। इधर अफगानिस्तान के सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने मंगल को ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के खिलाफ अंजाम दिए जाने वाले फौजी ऑपरेशन में 261 तालिबान के जाँ बहक होने और 206 जख्मी होने की इत्तला है। बयान के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन अफगानिस्तान के लोगमान, पक्तिका, कंधार, जाबुल, बाबगोस, फराह, हलमन, कापिसा, नंगरहार, बलख, जोजान, बदखशान और वोरियान सूबों में अंजाम दिए गए हैं। अफगान ज़राए दिफा ने इन फौजी कार्रवाइयों में अफगान फौज के जानी नुकसान की तरफ कोई इशारा नहीं किया। तालिबान ने अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान होते ही मुज़ाकरात की मेज पर आने की बजाय अफगान के मुख्तलिफ इलाकों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन अफगान फौज और अवामी रजाकार फौज तालिबान का भरपूर साफ मुकाबला कर रही है। नाज़रीन, ये खबर आपको बताता चलूं कि तालिबान ने अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इसी के साथ ही कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।